तो उनको बिठा देते हैं। घंटी का है? कहाँ है घंटी? हैप्पी बर्थडे। राधे राधे सभी को और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज का व्लॉग है जन्माष्टमी स्पेशल और आज है हमारे लड्डू गोपाल का फर्स्ट बर्थडे। तो मैंने किए हैं कुछ प्यारी प्यारी मोमेंट्स कैप्चर जो आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अपने लड्डू गोपाल पिछले साल लेके आई थी, मतलब उनका ये फर्स्ट बर्थडे है, पहला बर्थडे है, और मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, बहुत गलतियां की थी क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी और इसका व्लॉग भी मैंने पोस्ट किया, यहाँ तक कि मुझे ठीक से नहलाना भी नहीं आता था। तो एक साल के अंदर अंदर मैंने उनकी सेवा बहुत करी और मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आज मैं वो मिस्टेक्स कुछ भी नहीं करने वाली हूँ और आपसे शेयर करने वाली हूँ प्यारा सा ये मोमेंट्स। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को गुड मॉर्निंग विश करी, उनको उठाया और उनको बर्थडे विश किया। तो उसके बाद हमने इन्हें दूध, यहाँ पे गंगा जल, फूल से स्नान कराया और उनको रेडी करना था। बहुत ही प्यारे लग रहे थे आज, तो पता नहीं वो अलग ही उनकी चमक थी उनके चेहरे पे। उनको टॉवल वगैरह में रैप करके और उनको मैंने प्यारी सी एक फ्रॉक बनवाई है उनके लिए, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, तो वो उनको मैं पहनाऊँगी। और हमारे दो छोटे लड्डू गोपाल और भी हैं, एक मेरी छोटी बेटी के हैं और एक मेरी बड़ी बेटी के हैं, तो उनको भी हम इसी दिन लेके आए थे, तो उनका भी आज फर्स्ट बर्थडे है। तो तीनों को हम फटाफट आज तैयार करेंगे और आपसे शेयर करेंगे ये प्यारी प्यारी मोमेंट्स। प्यारी लग रही है और ये इनका ब्लाउज है, अपर टी शर्ट जिसको बोल लो, और ये इनका मफलर है यार, जो भी बोलते हैं हिंदी में, और ये इनका प्यारा सा मुकुट है, कितना सुंदर है। तो आप उनको तैयार करें फटाफट। तो घंटी बजाओ राधु के लिए, घंटी बजाओ। तो आओ पहले इनको फटाफट तैयार करें। तो फ्रेंड्स, इनका जो ये दुपट्टा है इसको मैं यहाँ साइड में रख रही हूँ क्योंकि बहुत नेक पीस छुप जाएगा, तो ऐसे देख रहे हो ऐसे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। तो बाल लगाते हैं फटाफट, इनके बाल लगा दिए और इनका मुकुट लाओ। और ये रहा इनका मुकुट, इनकी बांसुरी लाओ, बढ़िया वाली सुंदर बांसुरी लाओ, बांसुरी लाओ, बांसुरी का बांसुरी का। और ये मैं इनके पीछे लगा देती हूँ मोर पंख, मोर पंख मैं यही लगा देती हूँ ताकि ये इनके बालों में से इसे दिखाई दे, है ना। वो बालों में ही लगाते हैं, ये देखो ऐसे, है ना, कितना सुंदर लग रहा है। बांसुरी 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 लेके आओ। फ्रेंड्स, ये है इनकी प्यारी सी नई बांसुरी, तो बांसुरी के बिना कैसे इनका श्रृंगार पूरा होगा, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे और ये हो गया रेडी। तो अब आपको दिखाएं इनको फटाफट क्लोजअप, तो कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब इनको हम यहाँ पे विराजमान करा देते हैं इनके सिंहासन पे। और उसके बाद मेरी दोनों बेटियों ने अपने अपने लड्डू गोपाल को तैयार किया, बहुत अच्छे से करती है उनकी सेवा और बहुत अच्छे से तैयार किया, और मुझे बहुत खुशी होती है कि उनको जो मैंने सिखाया उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रैप किया और उसको वो फॉलो भी करती हैं। और फ्रेंड्स, आपको भी अपने बच्चों को अपने कल्चर, भगवान वगैरह इन सब चीज़ों को बताना चाहिए, फिर हम नहीं बताएंगे तो आगे जाके अपने बच्चों को कैसे बताएंगे। तो कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए तो हमें सिखाना ही पड़ता है ये सब चीज़ें। तो ऐसे ही हमने उनको फटाफट तैयार करके बिठाया, लड्डू गोपाल को दर्पण दिखाया और उनकी आरती करी। तो ये है दूध, दिखे नहीं रहा, दिख रहा है उसका दूध और केला। तो पहले हम दूध पिलाते हैं, छोटा कर लो, घंटी का है? कहाँ है घंटी? ये और ढकने के बाद इनका 12 बजे जब जन्म होगा तब इनको हम देखेंगे। और उसके बाद हमने इन्हें ढक दिया और हमें इनको फिर जन्म कराना था 12 बजे, मतलब 12 बजे तक हम इनको ऐसे ही रखेंगे और फिर इनको सीधा देखेंगे हम 12 बजे। और
बिल्कुल देख रहे हो आप, मौसम कितना प्यारा हो गया और बारिश स्टार्ट हो गई थी, मतलब दोपहर को ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। और यार बारिश ना हो जन्माष्टमी वाले दिन ऐसे कैसा हो सकता है। तब तक हमने किया अपना प्रसाद रेडी, जैसे धनिया पंजीरी, आटा पंजीरी और गुड़ की जो भी बर्फी वगैरह बनती है, जो मुझे नहीं आती थी तो मैंने कुछ मम्मी से पूछी, कुछ मैंने यूट्यूब पर सर्च करी। यूट्यूब जिंदाबाद यार, हर चीज़ सिखाता है यूट्यूब। तो पानी कैसे पीना है ये भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, मैं मजाक कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद बिजली आप कड़क ही रहे हो, कैसे कड़क रही है, मतलब बिजली आप देख ही रहे हो कैसे कड़क रही है। और उसके बाद हो गए थे 12 बज गए थे, हमने सब कुछ रेडी कर दिया, केक वगैरह सब रेडी था, बस वेट थी 12 बजने की। और यहाँ हमने पंचामृत वगैरह सब रेडी करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने दही घी दूध शहद और क्या लिया, गंगा जल और जो देख लेना आप क्या क्या था, तो ये सब। और नई नई ड्रेसेस यहाँ पे मैंने रेडी करके रखी हैं, खीरा रखा हुआ है और धूप बत्ती करने के लिए जो भी चीज़ें रखी होती हैं, फूल रखे हुए हैं। बस अब इंतज़ार है लड्डू गोपाल के पैदा होने का। और उनके लिए मैंने यहाँ पे देख रहे हो आप प्रसाद में सब रखा हुआ है जो मैंने बनाया था। यहाँ पे मैंने पूड़ी, आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी बना के रखी है। तो हो गया टाइम और बज गए 12। तो फ्रेंड्स ऐसे 12 बजते ही हमने उनका जन्म कराया, घंटी बजाई, थाली बजाई और बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया। और उसके बाद ये तीनों इतने प्यारे लग रहे थे ना, बस इसके बाद क्या करना था, इनको हमें स्नान कराना था पंचामृत से, उसके बाद इन्हें मीठा कुछ खिलाएंगे, उसके बाद इन्हें झूला झूला के फिर हम कुछ खाएंगे। तो ऐसे ही फटाफट जो हमने सुबह ड्रेस बनाई थी वो सब निकाल दी और मैंने तीनों को एक साथ ही बिठा दिया ऐसे, और तीनों को स्नान कराने के लिए। और फिर जो मैंने पंचामृत बनाया था जिसमें दूध दही शहद हो गया और गंगा जल हो गया, ऐसे सब चीज़ें मिला के और इनसे स्नान कराया। उसके बाद आप ये सब जो भी प्लेट में होता है उसको आप ग्रहण भी कर सकते हैं, मतलब आप प्रसाद की तरह भी ले सकते हैं, तो उसको फेंकना नहीं होता, आप इसे यूज़ कर लें, प्रसाद में डाल लें। तो ऐसे ही प्यारे से देख रहे हो आप कैसे स्नान कर रहे हो, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। इनका अभी मेकअप हुआ है, मतलब श्रृंगार हुआ है 2 दिन पहले ही, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं तीनों। और इसके बाद यहाँ हमने खीरे को ऐसे काटा कोने से, या आप चक्कू इस्तेमाल ना करें, ऐसे ही सिक्के से काटना होता है। मैंने सब सर्च करा अच्छे से, सब देख के वीडियोस वगैरह सब किया, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता था। तो हो गया इनका जन्म। उसके बाद इन्हें हमने नहलाया था और अच्छे से पोछ पाछ के रेडी करना था, फिर अगेन नई ड्रेस बनानी थी और झूले पर झुलाना था, आरती करनी थी और अच्छा अच्छा कुछ खाना खिलाना था। ये वो है क्या, वो वाली है क्या? तुम काटो, मैं तुम काटवा काटवा और उसके बाद हमने विराजमान किया उन्हें झूले पे और एक एक करके तीनों को झूले झुलाए। तो आप देख ही रहे हो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं।
तो यार झांकियां वांकियां तो हम पहले देखने जाते थे यार, हर गली में झांकी लगती थी, बट अब ये कल्चर काफ़ी कम होता जा रहा है। झांकियां वगैरह ज़्यादातर मंदिर तक सीमित हो गई हैं, तो मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, तो हम तो घर पे ही सब ऐसा सेटअप सा लगा लेते हैं भगवान का, और बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और उनको अपने कल्चर के बारे में पता लगता है। तो हमने तो अपने ज़माने में बहुत कुछ देखा है, मतलब हम तो इतना एक्साइटेड रहते थे यार, आज जन्माष्टमी है, नए नए कपड़े पहन लो, चलो अब घूमने के लिए, और इतने मज़े करते थे। बट अब के कल्चर में ये सब नहीं होता, बहुत कम हो गया है, और बहुत मतलब बड़े लेवल पे होता है, छोटी छोटी गलियों में तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता आजकल। और फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल करना सब्सक्राइब, और एक अच्छा सा कमेंट ही करते जाना जिसमें सिर्फ लिख देना राधे राधे या जय श्री कृष्णा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय वॉचिंग अस।